पूरे हिमाचल प्रदेश में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की एक्टिविटी को कोविड के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रदेश स्तर पर शुरू कर दी गई है, जबकि ये प्रतियोगिता किन्नौर जिले में 5 से 20 अक्टूबर के मध्य ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। स्कूली छात्रों की प्रतियोगिता बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 सितंबर से 25 सितंबर तक शुरू की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक अशोक नेगी ने कहा कि कोविड-19 के चलते इस वर्ष बाल विज्ञान सम्मेलन की एक्टिविटीज ऑनलाइन करवाई जा रही हैं तथा किन्नौर जिले में ये एक्टिविटीज 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कनिष्ठ, वरिष्ठ और सीनियर सेकेंडरी 3 श्रेणियों में करवाया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि बाल विज्ञान सम्मेलन को पहले ब्लॉक स्तर तथा उसके बाद ब्लॉक स्तर पर विजेताओं का जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी एवं जो उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उन्हें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 6 गतिविधियों में से क्विज, मैथमेटिकल, ओलंपियाड, साइंस एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट सर्वे आदि 4 गतिविधियां ही करवाई जाएंगी, जबकि स्किट और मॉडल ऑनलाइन संभव नहीं है। अशोक नेगी ने कहा कि बाल विज्ञान सम्मेलन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों को सतलुज जल विद्युत निगम जंगी टोपन पोवारी प्रोजेक्ट की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की जो एक्टिविटीज होनी है वो कोविड के कारण ऑनलाइन करवाने का फैसला लिया है स्टेट लेवल पर। तो इसके तहत 5 सितंबर से 25 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है स्टेट के हिमकोस्ट के पोर्टल पर। तो उसके बाद जहाँ तक जिला किन्नौर की बात है, जिला किन्नौर में 3 सब डिवीजन है। तो सबसे पहले हम सब डिवीजन लेवल पर 5 से 20 अक्टूबर के बीच ये कंपटीशंस करवाएंगे, ऑनलाइन कंपटीशंस। तो ये जो ऑनलाइन कंपटीशंस है वैसे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के 6 एक्टिविटीज करवाते हैं, लेकिन इस बार हम 4 ही करवाएंगे, क्योंकि जैसे स्किट है ये ऑनलाइन संभव नहीं है, या मॉडल है ऑनलाइन संभव नहीं है। बाकी जो दूसरे 4 एक्टिविटीज़ है जिसमें क्विज है, मैथमेटिकल ओलंपियाड है, साइंस एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट सर्वे है, ये ऑनलाइन ब्लॉक लेवल पर करवाएंगे। तो ब्लॉक लेवल पर भी करवाने के बाद उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। तो इसमें जो है ब्लॉक लेवल पर भी जो एक्टिविटीज होती है वो 8 तक के बच्चों के लिए अलग एक्टिविटीज होती है, अलग कंपटीशन होता है, 9th-10th का अलग होता है सेकेंडरी का, और सीनियर सेकेंडरी का 1-2 के बच्चों का अलग 3 लेवल का कंपटीशन होता है। इन 4 एक्टिविटीज़ में ये सारे 4 एक्टिविटीज़ के जो कंपटीशंस ब्लॉक लेवल पर 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बाद बीच करवाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा कंपटीशन, ये भी ऑनलाइन ही होना है। और उसके बाद जो स्टेट लेवल पर होगा डिस्ट्रिक्ट से जो टीमें जो है स्कूल्स फर्स्ट आती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम बनेगी वो स्टेट लेवल पर जो कंपटीशन होगा उसमें भाग लेगी। तो उसके लिए आज से ही पिछले 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो इस बार हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिला किन्नौर तथा स्पीति सब डिवीजन लोलैंड स्पीति का, इन 4 सब डिवीजन के लिए हमारा जो सतलुज जल विद्युत निगम है जो जिला किन्नौर में जंगी ठोपन प्रोजेक्ट बना रही है, तो ये सतलुज जल विद्युत निगम की तरफ से हमारे को ये ट्रॉफियां स्पॉन्सर करेंगे और ये रनिंग ट्रॉफी होगी। ये सभी एक्टिविटीज में, ये 4 एक्टिविटीज में और ये मिडल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों को, जो भी फर्स्ट आएगा जो भी स्कूल, इनको ट्रॉफियां प्रोवाइड करेगी प्रयोग को सतलुज जल विद्युत निगम के माध्यम। किन्नौर से सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट।